Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Firdos and you're watching Teacher's World. Hopefully you all are doing well and you're watching my videos. Thanks for all the love and support. In today's video, I'm going to talk about hybrid teaching. Hybrid teaching is the word which will actually take a place in every organization, every place of work, wherein we have to mix in both offline and online modes. Okay, when it comes to education sector, it is like you're taking up online and offline practices which will best suit the learners. If you remember, humne jaise apne bachpan mein school mein padha hai ki hybridization hota kya hai. Hybridization is like you're taking up the qualities of different species and trying to bring in a product which has all the beneficial qualities of both the species. Ye kuch is tarike se humne padha tha. ठीक है, उसी तरीके से अब जब से लॉकडाउन हुआ है, कोविड का सिचुएशन हुआ है, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो का एजुकेशन के लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. इट इज नो मोर इन दैट कन्वेंशनल ट्रेडिशनल माइंडसेट हैज एक्चुअली बिकम फ्लेक्सिबल एंड इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल. अब ये है कि हमारी जो सोच हम कई सालों से बोलते हुए आ रहे हैं कि education is not restricted to the four walls of the room and it is not restricted to the 8 hours of the classroom. It is beyond that. Teachers को हम हमेशा ये train करते हैं कि teaching moments को जो है आप beyond the class भी लेके जाना चाहिए and you have to do this, you have to do that. Keeping all this in view, hybrid teaching comes as a solution. और ये जरूरी है कि चंद दिनों में या फिर हो सकता है कुछ इदारों में ये चीज शुरू हो गई है कि आप कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड यूज नहीं कर सकते या कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड नहीं यूज कर सकते, आपको दोनों के प्रैक्टिसेस को लेके चलना है. सो इन दिस वे हाइब्रिड टीचिंग हैज मेनी मॉडल्स, एक्चुअली 5 मॉडल्स. ठीक है, 5 मॉडल्स का डिटेल्स में जो है Part 2 में बताऊंगी. सिर्फ आई विल जस्ट ब्रीफ यू अप. वन इज लाइक डिफ्रेंशिएटेड मॉडल, जहां पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन साइमल्टेनियसली एक ही साथ होंगे, सिंक्रोनसली या एसिंक्रोनसली. ठीक है, एक ही साथ होंगे. लाइक फॉर सपोज टीचर क्लास ले रही है, शी इज टेकिंग अप द क्लास एंड वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए या वेब कैम के जरिए या फिर कोई रिकॉर्डिंग के जरिए उन बच्चों तक भी पहुंचेगा जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं. सो ओके, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अप्रोच. तो यहाँ पे मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, टीचर्स पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो चीजें जरूरी है और जो चीजों का इस्तेमाल सही से किया जा सकता है विच आर ऑलरेडी इन द कैंपस. आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन दिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ टीचर इज टेकिंग अ क्लास, देन इज देयर अ प्रोजेक्टर इन द क्लास रूम और इज देयर अ डेस्कटॉप. इफ द टीचर कैरीज अ लैपटॉप ऑल्सो इट इज वेरी गुड बिकॉज शी कैन एक्चुअली मूव अराउंड इन द क्लास. इफ शी हैज टू शो समथिंग ऑल्सो, एक मूवमेंट भी होगा और साथ ही साथ बच्चे जो ऑफलाइन है वो भी देखेंगे या वेब कैम के जरिए ट्राइपॉड स्टैंड लगा के वेब कैम में रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़े बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं. ठीक है, इस तरीके से एक ही टाइम पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कवर हो रहा है. सो दिस इज वन अप्रोच. सेकेंड इज मल्टीपल ट्रैक अप्रोच. वहां पे ऐसा होता है कि कंप्लीट एक ट्रैक जो है ऑनलाइन ही जाएगा, एक जो है ऑफलाइन ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ऐसा होता है कि अगर ऑनलाइन ही जाना है तो वर्कशीट्स वगैरह सारे बच्चे इंटरैक्टिव वर्कशीट्स के जरिए सॉल्व करेंगे और टीचर का जो क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड वर्जन या फिर फ्लिप्ड क्लासरूम के जरिए हम वो कंटेंट का जो वीडियो है वो बच्चों को भेज देंगे. ठीक है, तो वो उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी और ये बच्चे जो है अगर से डाउट्स वगैरह हो तो कॉन्टेक्ट क्लासेस के जरिए वो स्कूल आ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली जो ऑफलाइन है, बिल्कुल ऑफलाइन है, उनको कुछ एडिशनल सपोर्ट के लिए या फिर कॉन्सेप्ट्स के लिए उन लोगों को जो है प्रैक्टिस शीट्स वगैरह ऑनलाइन सॉल्व किया जाएगा, वरना तो वो लोग बच्चे जो है स्कूल अटेंड करेंगे. ये एक ट्रैक है. थर्ड वन, इट इज लाइक स्टेप ए स्टेप बी. ये अक्सर फॉलो होता है. लाइक एक क्लास के स्टूडेंट्स को आप एक दिन बुला रहे हैं, फिर अगले क्लास के स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे बुला रहे हैं, फिर एक ऐसा कॉमन डे पर क्लास आप रखेंगे जहाँ पे डाउट्स वगैरह या डिस्कशन फोरम्स वगैरह हो, जहाँ पे इंटरेक्शन होगा और सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम रेजोल्यूशन होगा. सो दिस इज वन मॉडल. और एक है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जैसे होगा
पर्सनलाइज लर्निंग, जहाँ हम वहाँ बच्चों को इंडिपेंडेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स करने देंगे, फिर वो बच्चे अपने आप से प्रोजेक्ट्स करेंगे, फिर देन दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग। एंड यू नो, अब थोड़े दिन थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल दे डोंट वॉन्ट, दे आर नॉट रेडी टू कम बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। या एक बात मैं बता दूं, अगर आप हाइब्रिड टीचिंग को अपना रहे हैं, इट इज लाइक यू आर मूविंग अ स्टेप क्लोजर टू होम स्कूलिंग, एंड होम स्कूलिंग विल टेक ओवर। अब जैसे मैं समझती हूँ कि चंद परसेंटेज ऑफ स्कूल्स हैं यहाँ पे जो होम स्कूलिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years दैट विल बी प्रिवेलेंट ऑल ओवर, और पेरेंट्स भी इसको पसंद करेंगे। अब जैसे कि हम लोग MS पे भी होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद किट्स कॉल्ड माइजो किट्स, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट, और उसका लिंक मैं भेजूंगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये माइजो किट्स जो है, उसमें हम लोग स्टूडेंट को जो है वर्कशीट्स वगैरह जो है दे रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दे रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो ऑफलाइन अटेंड नहीं कर रहे तो उनको ऑनलाइन प्रोविजन भी है। सो दिस इज हाउ हाइब्रिड लर्निंग हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग इन MS, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, सो इट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्कूल शिक्षा। तो ये चीज आप जहन में रखिए। तो ये 5 मॉडल्स है। अब आप फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव, आप कैसा क्या प्रोवाइड करेंगे आपके कैंपस में। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर टीचर जब क्लास ले रहे हैं, आपके पास प्रोजेक्टर की फैसिलिटी है, वेबकैम की फैसिलिटी है, या फिर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की फैसिलिटी है, या फिर आपको माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, टीचर को स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, या स्लाइड चेंजर की जरूरत पड़ेगी, ये चीजों के आपको देखना है कि इफ इट इज अवेलेबल, देन टीचर जब पढ़ाएंगी देन द सेम थिंग विल गो टू द स्टूडेंट्स। ओके, और एडवांस लेवल पे अगर से मैथमेटिक्स का क्लास हो, अगर टीचर के पास वो स्मार्ट बोर्ड भी होगा, सो इवन व्हेन शी सॉल्व्स एक्चुअली दे कैन सी, व्हेन इट इज अ लाइव स्ट्रीमिंग सो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो गया, ये मैनेजमेंट को अरेंज करना चाहिए। एंड दे ऑल्सो हैव टू हैव अ वर्ड विद पेरेंट्स, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि ये ऐसे तरीके से उनको कोई भी चीज मिस नहीं हो रही, और ये एक्टिविटीज उनको ऑनलाइन करना है, ये सबमिशन है। मैनेजमेंट को और एक चीज फोकस ये करना है कि उनके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर के रिसोर्सेज, हर चीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे। स्टूडेंट्स की एंट्री और एग्जिट, हर चीज का लॉग इन लॉग आउट, इसके जो अक्सर अटेंडेंस से परेशान हो सकते हैं, ये एक चीज है कि हाइब्रिड टीचिंग में शायद बच्चे पंक्चुअल ना हो, हम ट्रैक कैसे रखेंगे। तो जी, ये है कि आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से आप ट्रैक कर सकते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। ओके, और कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जो आप एक्सप्लोर करिए। नियर पॉड एक ऐसा रिसोर्स है जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हुए क्रोम के जरिए जो वो वर्कशीट्स उन्होंने बनाए, she can actually display those worksheets, and simultaneously students can also open those worksheets on their own system, the students who are sitting online, like उनके घर में वो बैठ के सेम वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी का क्लास तो ऑफलाइन है, तो एक ही साथ जो है क्लास कंडक्ट हो रहा है। सो देर आर सम एप्लीकेशंस जिसके नाम में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ इंशाल्लाह। तो देखिए, दिस इज वॉट दिस विल बी द न्यू नॉर्मल, या ऐसा होगा। अब चलते हैं टीचर्स पर्सपेक्टिव। एज अ टीचर आप जब लेसन को पहले प्लान करते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं अपने लर्नर के नीड के हिसाब से। तो अब आपके लर्नर का नीड क्या है, ऑनलाइन बच्चे कितने हैं, ऑफलाइन बच्चे कितने हैं, ताकि आप कैसा रिसोर्स बनाए कि दोनों का लॉस ना हो। ठीक है, अगर बच्चे ऑनलाइन है तो वो लोग आपको मिस ना करे, अगर बच्चे ऑफलाइन है तो वो एक्टिविटीज मिस ना करे। तो एज अ टीचर यू हैव टू ब्रिज दिस, ये इक्वल करना है, इक्विटेबल करना है। तो टीचर्स पर्सपेक्टिव ये है कि एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये तो है। लेकिन आप जब अपना कंटेंट देखेंगे कि ऐसे क्या है इस लेसन में,
ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल लाइक बच्चा अपने खुद ही से समझ सकता है, या फिर ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपका जो है आपका एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो जब आपको लगता है कि आपका एक्सप्लेनेशन जरूरी है तो आप एक एक सेगमेंट ऐसा रखें जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लास में आप पढ़ा रहे हो, या फिर आप अपना एक रिकॉर्डेड वर्जन एक ऐसा रखें जहाँ पे आप एक अपना वो कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो। मैं जानती हूँ कि ये सब बातें बोलने के लिए आसान है, लेकिन यू नो टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनबिल्ट जो सेटिस्फेक्शन होता है, अगर आप बोलेंगे मैंने कई टीचर्स से सुना है कि वो कहते हैं कि हम स्कूल को मिस कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लासेस को मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड इट्स लाइक आप लोग चाहते हैं कि सारे बच्चे आ जाए क्लास में, लेकिन ये ऐसा है, अब प्रेजेंट टाइम्स ऐसे हैं, लाइक वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ्स टू द हाइब्रिड टीचिंग प्रोसेस। ऐसा है तो ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन आना है तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन ये अवेलेबिलिटी है। सो फ्रॉम द टीचर्स साइड ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो यू शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज अबाउट व्हाट यू कैन से द टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, और आप अपने लेसन्स को कैसे और लाइवली बना सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर पीपीटीज बना सकते हैं क्या कंटेंट का, आपकी वॉइस देख के, वो भी ऐसा नहीं कि बस आप रीड कर रहे हो, इट शुड बी लाइक एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो, लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट, ऐसा कुछ कर सकते क्या, वॉइस दे सकते क्या, या फिर आप जब पढ़ा रहे हो उसको रिकॉर्ड करके रख सकते क्या, कैन यू बिल्ड ऑन दीज थिंग्स। ये आप एज अ टीचर, फिर आपको एक जहन में ये भी होना चाहिए कि अगर मैं एक लेसन बना रही हूँ, ओके, सो इफ आई हैव टू गिव दैट टू अ स्टूडेंट एट अ पर्सनलाइज्ड एज अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग टू, अगर उनको हम देना चाह रहे, आपको मैं दे दूंगी बेटे, आप ये खुद अपने हिसाब से पढ़ो, सो हम किस तरीके से उसको बिल्ड करें, ठीक है, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को कैसे चेक करें, बच्चे को आता या नहीं वो कैसे देखें, अगर नहीं आता हो तो कौन से रिसोर्सेस दे कि वो आगे की बात समझे, अगर आता हो तो फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करवाए। सो एज अ टीचर बेसिकली आपके माइंड में ये सारे चीजों का अब जो है बिल्कुल एक सोचना, एक जबरदस्त तरीके से अपने टीममेट्स के साथ बैठना, डिस्कस करना, ये जरूरी है, बिकॉज एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, सूनर और लेटर ये चीज जो है होने वाली है। सो वी हैव टू एक्चुअली अडेप्ट आवरसेल्फ्स एज पर द टाइम। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मैं बस 60 भी बच्चे रहने तो ठहर के मैं पढ़ा ले सकती हूँ। ओके, आप पढ़ा ले सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी है, बच्चों की चॉइस आजकल मैटर करता है, लाइक व्हेन दे हैव टू टेक, हाउ दे विल टेक, व्हाट इज देयर नीड, ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से। नाउ इफ यू चेंज योर वर्जन एंड से दैट हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, जिसके जरूरत के हिसाब से, जिसके नीड के हिसाब से मैंने अपने लेसन हाइब्रिड टीचिंग को बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन में कैसे ला सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह खैर, स्टार्ट थिंकिंग, टीचर्स प्लीज एक्सप्लोर करिए, आपके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, आप लाइव फील्ड पे रहते हैं, आपको पता है प्रॉब्लम्स क्या है, आपको पता है कि पेरेंट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, एक्टिविटीज कैसे करवाना है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक प्रोडक्टिव डिस्कशन का एक रेगुलर फेज रखिए, जहां पे आप ये बैठ के इस सिचुएशन को डील कर सके, ताकि यू कैन कम अप विद सॉल्यूशंस, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। गेट रेडी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी टीचिंग, हैप्पी लर्निंग, जज़ाकअल्लाह।